आज नेक्स्ट हमें पढ़ना है वाटर एज अ सॉल्वेंट। अच्छा वाटर एज अ सॉल्वेंट किस तरह, मतलब वाटर एज अ सॉल्वेंट वाटर में क्या प्रॉपर्टीज है, वो कौन कौन से कंपाउंड को डिजोल्व कर सकता है, कल प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, अब ये पढ़ना है कि वाटर कौन से कंपाउंड को डिजोल्व कर सकता है और कौन से कंपाउंड को डिजोल्व नहीं कर सकता। अब ये जो वाटर की कहते हैं वो जो होती है ना सॉलिबिलिटी, ये दो वजह से होती है। एक होता है उसके पोलर नेचर की वजह से कि वाटर क्या है, पोलर है या नॉन पोलर, और दूसरी होती है उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अच्छा वाटर पोलर है तो ये सिर्फ कौन से कंपाउंड को डिजोल्व करेगा जो पोलर होंगे। अब वाटर पोलर कैसे है, वाटर के स्ट्रक्चर देखते हैं। वाटर पोलर कैसे है, ये जो सा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड है इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी से ज़्यादा है, ये इसको चीज़ क्या बनाती है, वाटर के मॉलिक्यूल को पोलर बनाती है। अब जब हम इसके अंदर कोई भी पोलर कंपाउंड डिजोल्व करेंगे या फिर आयनिक कंपाउंड डिजोल्व करेंगे, पोलर को छोड़ के आयनिक कंपाउंड डिजोल्व करेंगे, आयनिक कंपाउंड पॉजिटिव और नेगेटिव एंड होते हैं, तो जो सा उसका नेगेटिव एंड होगा वो किस तरफ अट्रैक्ट होगा और पॉजिटिव एंड किस तरफ अट्रैक्ट होगा वो देखें। अब इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी किसकी ज़्यादा, ऑक्सीजन की या हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है तो जो सा हम आयनिक कंपाउंड डिजोल्व कर रहे हैं उसका पोलर पार्ट या फिर वो पॉजिटिव पार्ट किस तरफ अट्रैक्ट होगा, ऑक्सीजन की तरफ, और जो नेगेटिव पार्ट होगा वो कहाँ पर अट्रैक्ट होगा, हाइड्रोजन की तरफ। इस तरह से ही क्या कहते हैं, और उसके बाद अब देख रहे हैं कि वाटर के आयनिक कंपाउंड के अंदर एक और फोर्स भी हमने पढ़ी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयनिक बॉन्ड। अब वाटर आयनिक बॉन्ड, अब हमें उसको डिजोल्व, हमने आयनिक कंपाउंड को डिजोल्व करना है तो हमें पहले उन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करना, खत्म करना पड़ेगा, फिर ही आयनिक कंपाउंड इसके अंदर डिजोल्व होंगे ना। वो कैसे अब होते हैं, अब सपोज ये है कि ये तो अब हम इसको हम क्या कहते हैं, डाइपोल कहते हैं, डाइपोल का पता ना जिस पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एंड्स हो, तो ये बॉन्ड क्या है, एक डाइपोल है। अब जब आयन और एक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब आयन इस डाइपोल के साथ आके अटैच होगा तो वो वाली फोर्स क्या कहलाएगी, आयन डाइपोल फोर्स। वो जो सी आयन डाइपोल फोर्स होगी ना वो इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि वो जो सी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयनिक कंपाउंड्स के दरमियान है ना उनको ओवरकम कर सकेगी, उनको खत्म कर देगी। उनको ओवरकम करेगी तो जो आयनिक कंपाउंड होगा या फिर पोलर कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड वो क्या होगा, कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा किसके अंदर, वाटर के अंदर। एग्जाम्पल इसकी कौन कौन सी आयनिक कंपाउंड की, NaCl और दूसरे जो से आयनिक कंपाउंड होते हैं कोई भी सारे, उनका बिल्कुल सेम प्रिंसिपल है, आयन डाइपोल फोर्स बनेगी आयन की और इस डाइपोल के साथ। वो आयन डाइपोल फोर्स क्या करेगी, जो से आयनिक कंपाउंड के अंदर अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना उसको ओवरकम कर देगी, उसको ओवरकम करके क्या करेगी, उस आयनिक कंपाउंड को कम्प्लीटली डिजोल्व कर लेगी अपने अंदर वाटर का मॉलिक्यूल। ये किस वजह से होता है, वाटर की पोलर नेचर की वजह से। पोलर नेचर किस वजह से होती है, पता चल गया, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के डिफरेंस की वजह से। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा, ये वाला इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब यही आगे बढ़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तकरीबन यही सेम वजह किसकी, इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। अच्छा वो आप लोगों को जो पीछे था पॉजिटिव एंड क्या मैंने कहा था, ऑक्सीजन के साथ अट्रैक्ट होगा, और नेगेटिव एंड किसके साथ अट्रैक्ट होगा, हाइड्रोजन, इधर फिगर भी बनी हुई है आपकी बुक के ऊपर 15.1। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो से पॉजिटिव है हाइड्रोजन है वो किसके साथ अट्रैक्ट हुआ है, नेगेटिव के साथ, और जो से ऑक्सीजन है वो जाके अट्रैक्ट हुआ पॉजिटिव के साथ। ये आपको फोर्सेस की समझ लग गई है, क्या कहते हैं अट्रैक्शन की, कि किस तरह अट्रैक्शन हो रही है और किस, सही हो गया ये। उसके बाद आगे आ जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक होती है उसे कहते हैं इंटर मॉलिकुलर फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, अब तो ये देखना है इंटर मॉलिकुलर फोर्स होती क्या है, ऐसी फोर्स जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान होगी वो क्या हो गई, इंटर मॉलिकुलर फोर्स। अच्छा अब ये बताएं ये वाला जो बॉन्ड है ये इंटर मॉलिकुलर फोर्स है क्या, ये इंटर मॉलिकुलर फोर्स नहीं है, क्योंकि मैंने कहा इंटर मॉलिकुलर फोर्स क्या होती है, दो मॉलिक्यूल्स के, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है, ये एक ही मॉलिक्यूल, ये दो एटम्स के दरमियान है, एक ही मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स होती है वो इंटर मॉलिकुलर फोर्स होती है, और जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है वो इंटर मॉलिकुलर फोर्स होती है, पता चल गया। अब ये सबसे पहले तो ये पता नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, इंटर मॉलिकुलर फोर्स, और ये क्या किसके दरमियान होती है, ऑक्सीजन के कहते हैं हाइड्रोजन के दरमियान और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जिसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन, सिर्फ ये तीन एलिमेंट्स है पूरे पीरियोडिक टेबल में जिसके साथ इसकी बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक हो गया। क्योंकि क्या कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस वही आएगा। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है किस तरह से, हाइड्रोजन, अब देखते हैं एक वाटर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है वो देखते हैं हम इस तरह से।
एक वाटर मॉलिक्यूल ना अपने अपने चार वाटर मॉलिक्यूल का मजीद हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। एक तो इधर देखें ना, बदल गया ये वाला दूसरी तरफ। और जो सी इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है उसका हम किससे शो करते हैं, डॉटेड लाइन। ये तो दो बन गए, मैंने क्या कहा चार के साथ बना सकते हैं, दो इससे बनेंगे। और आपने देखा होगा ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स भी हैं, बाकी के दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएंगे, ये लोन पेयर्स इस तरह ऊपर भी। और ये कैसे आपस में ये कैसे अरेंज होंगे, टेट्राहेड्रली। ये इसने नीचे फिगर में भी बताया कैसे अरेंज हो गए वाटर के मॉलिक्यूल, चार मॉलिक्यूल, एक वाटर का मॉलिक्यूल कितने वाटर के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है चार के साथ, और उनके फिर कौन सी अरेंजमेंट होती है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। अब इस जो सी फोर्स, अब इसकी वजह से ये कौन सा कंपाउंड, ये वाटर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पोलर मॉलिक्यूल को डिजोल्व करता है। वाटर ने डिजोल्व सिर्फ किसको करना है, पोलर मॉलिक्यूल्स को, और जो से नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं जैसे बेंजीन हो गई उसको डिजोल्व नहीं करेगा ये। अब ऐसे कुछ नॉन पोलर मॉलिक्यूल कुछ ऐसे होते हैं जिनमें होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जैसे ये देखो पोलर की एग्जांपल, पोलर की एग्जांपल सबसे बड़ी वाटर खुद है। पोलर है वो होता है ना जिसमें क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन आर्बिटल डिफरेंस हो बॉन्ड्स दो एटम्स के दरमियान, और नॉन पोलर कौन सा होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन आर्बिटल डिफरेंस ना हो, या फिर जैसे कार्बन और हाइड्रोजन, ये भी तकरीबन जो सारे हाइड्रोकार्बन है ना वो नॉन पोलर होते हैं, क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस है ना वो इतना क्या कहते हैं कोई नोटिसेबल नहीं है, बिल्कुल बहुत थोड़ा सा, इसलिए ये क्या होते हैं नॉन पोलर। अच्छा मैंने कहा कुछ ऐसे नॉन पोलर कंपाउंड जिनके अंदर कौन सा ग्रुप आ जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक तो ये हो गया, एक आपने एक पढ़ा हुआ है अल्कोहल याद, ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये अल्कोहल, इन दोनों में कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर जब ये यहाँ से अलहदा हो जाएगा यहाँ इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, तो इस नेगेटिव जल्द अलहदा ना हुई ऑक्सीजन के ऊपर, पता ना ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा होती है तो ये जाके अट्रैक्ट हो सकता है, ये क्या कहता है इसके वाटर के हाइड्रोजन के साथ। तो ऐसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल जिसमें क्या हो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो वो भी वाटर में डिजोल्व होते हैं, कौन सी बॉन्डिंग की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, सही है, ये बात पता चल गई आप लोगों को। एक तो उसने कौन से मॉलिक्यूल आयनिक कंपाउंड को डिजोल्व कर सकता है, उसके बाद आयनिक कंपाउंड के बाद पोलर कंपाउंड्स को, आयनिक कंपाउंड और पोलर कंपाउंड्स के दरमियान का डिफरेंस आप लोगों को पता है ना, पोलर कंपाउंड में होता कोवलेंट बॉन्ड है लेकिन आयनिक कंपाउंड्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसके बाद नॉन आयनिक नॉन पोलर कंपाउंड्स और कौन से वाले डिजोल्व हो सकते हैं जिसके अंदर कौन सा ग्रुप होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कौन सा ऐसा एटम था जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये ऑक्सीजन एटम, ठीक हो गया। ये था कि सारा क्या कहते हैं वाटर कैसे डिजोल्व करता है, कौन कौन से कंपाउंड को डिजोल्व करता है, आयनिक को, नॉन पोलर को, पोलर को कैसे करता है, नॉन पोलर को कैसे करता है।